Let's do question number 9th of exercise 3b, that is linear equation 2 variable. Question number 9th is solve for x and y. Hame x aur y ke liye solve karna hai. To hamari first equation hai 4x minus 3y equals to 8 aur second equation is 6x minus y equals to 29 upon 3. तो आप इसमें कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं. मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करती हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे को इसको सॉल्व करना इजी हो जाता है. जब भी अपॉन में वैल्यूज़ होती हैं तो उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है, राइट? तो इसलिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं. अगर आप देखें, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है. यहाँ पर 329 अपॉन 3 है, तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा. तो हम सिर्फ सेकेंड इक्वेशन को फिलहाल देख रहे हैं. तो ये आ गई हमारी, ये हमारा 3 इंटू 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 29, राइट? अभी हम सिर्फ सेकेंड इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं. तो ये आ गई 18x माइनस 3y इक्वल्स टू 29. अब ये आ गई हमारी, मान लीजिए, थर्ड इक्वेशन. अब हम सिर्फ ये सेकेंड को ट्रांसफॉर्म करके थर्ड आई है, तो हम सिर्फ अब थर्ड पे फोकस करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 और थर्ड इक्वेशन थी 18x माइनस 3y इक्वल्स टू 29. अब एक ये हमने फर्स्ट इक्वेशन और एक ये हमने थर्ड इक्वेशन. अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ पे सेम कॉफिशेंट है वाई का और यहाँ पे भी सेम कॉफिशेंट है. तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो इस क्वेश्चन का है कि हमें सिर्फ साइन चेंज करना है. अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज कर लूँ तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हर एक क्वेश्चन में है. तो प्लीज़ आप मेरी सारी क्वेश्चंस देखें और इंट्रो भी हर एक एक्सरसाइज का ज़रूर देखें, राइट? तो अब देखिए, यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिया, ये हमारे आगे साइन चेंज करने के बाद, तो ये प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया. अब 18 माइनस का है और 4 प्लस का है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, साइन बड़े वाले का लगेगा. इसी तरीके से 8 और 29 आपस में ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन बड़े वाले का लगेगा. तो ये आ गया हमारा माइनस का 14x इक्वल्स टू माइनस का 21. तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो x आ गया हमारा 21 अपॉन 14. अब ये देखिए 7 से जाता है, 7 3 ज़ा 21 एंड 7 2 ज़ा 14. तो 3 अपॉन 2 क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई, राइट? अब हम x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे. तो पुटिंग x इक्वल्स टू 3/2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, राइट? तो ये आ गई 4 इंटू 3/2 माइनस 3y इक्वल्स टू 8. अब देखिए 2 वन्स आर 2, 2 टूज आर 4, तो 2 इंटू 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 8 लिख सकते हैं इसे. अब ये क्या आ गया, 6 माइनस 3y इक्वल्स टू 8, तो माइनस का 3y 6 उधर जाके माइनस का हो गया, तो 8 माइनस 6, तो माइनस का 3y इक्वल्स टू 2, तो y कितना आ गया, माइनस का 2 अपॉन 3. क्यों? क्योंकि ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में थे, तो इधर आके डिवाइड का आ जाएगा. तो हमारा y आ गया माइनस 2 अपॉन 3 और x आ गया 3 अपॉन 2 इज द आंसर.